दिस इज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. एक्स की पावर -3 अच्छा जो भी हमको फंक्शन दे रखा होता है ना उसको वाई मान लिया तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 इंटू 5 + 3x ये दे रखा है. अब इसमें दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि x की पावर -3 को इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करो और फिर जो आए उसको आप डिफरेंशिएट कर दो. एक तरीका ये है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग फंक्शंस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. x की पावर -3 और फिर ये ब्रैकेट 5 + 3x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो आपको क्या करना होगा, आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें. ये कहिएगा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल आप क्या करेंगे, पहले एक्स की पावर -3 को एज इज लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 5 + 3x ये हो गया प्लस फिर 5 + 3x को एज इज लिख देंगे 5 + 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 ठीक है ये हो गया. इट इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 ये समझ में आ गया. ये जो मैंने लिखा है प्रोडक्ट रूल कब लगाते हैं, जब कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आपस में. तो पहला वाला जो फंक्शन है एक्स की पावर -3 इसको एज इट इज छोड़ा इंटू डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन. समझ गए प्रोडक्ट रूल. यस सर. ठीक है ठीक है. अब आगे देखिएगा जैसे एक्स की पावर -3 इसको एज इट इज छोड़ा ये तो एज इट इज हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 + 3x तो भाई 5 का डिफरेंशियल 5 एक कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0 प्लस 3 एक वेरिएबल वाला टर्म है. 3 एक कॉन्स्टेंट है लेकिन उसके साथ वेरिएबल वाला टर्म है तो 3 तो एज इट इज रहेगा लेकिन x का डिफरेंशियल कर दीजिए. x का डिफरेंशियल क्या होगा 1. ये हमने देखा था कि अगर कॉन्स्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0 लेकिन कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल वाले टर्म के साथ तो कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा और वेरिएबल वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए प्लस सॉरी 5 + 3x एज इट इज रहेगा और आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स की पावर -3 को. तो ये कैसे होगा -3 एक्स की पावर -3 -1 एक्स की पावर n का डिफरेंशियल होता है n एक्स की पावर n -1 तो n यहाँ पर क्या है -3 तो -3 एक्स की पावर -3 -1 ये हो गया. dy by dx is equal to x की पावर -3 0 plus 3 कितना हो गया 3 हो गया बस x की पावर -3 into 3 plus 5 + 3x into -3 x की पावर -3 -1 is -4 ठीक है जी. अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो ये हो गया 3 x की पावर -3 5 into -3 x की पावर -4 तो 5 into -3 is -15 -15 x की पावर -4 3x into -3x की पावर -4 तो 3 into -3 is -9 और ये x की पावर 1 है और into x की पावर -4 तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 -4 तो ये हो गया 3 x की पावर -3 प्लस माइनस माइनस -15 x की पावर -4 प्लस माइनस माइनस -9 x की पावर 1 -4 इज -3 समझ में आ रहा है कि नहीं बता दीजिए भाई. इतना आरव आसमा सुहानी तीनों बताए यस सर. ठीक है चलिए तो आगे चलते हैं 3 x की पावर -3 -9 x की पावर -3 तो 3 -9 कितना हो जाएगा -6 तो -6 x की पावर -3
माइनस 15 एक्स की पावर माइनस 4। चाहो और सिंप्लीफाई, वैसे तो इतना हो गया, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 3 ले लिया कॉमन और एक्स की पावर माइनस 3 भी ले लिया कॉमन, माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल 2 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 3 कॉमन ले लिया, 3 5 15 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 4। समझ गए ऐसा कैसे करा हमने, x की पावर माइनस 3 अगर निकाल लिया तो ये x की पावर माइनस 4 है ना, x की पावर माइनस 4 को कैसे लिखा जा सकता है, x की पावर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 1, माइनस 3 प्लस माइनस 1 करेंगे तो माइनस 4 बन जाएगा, x की पावर माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा केवल x की पावर माइनस 4, और माइनस 15 में से माइनस 3 कॉमन लिया तो प्लस का 5 तो बचेगा। आप चाहो तो ये सेकेंड लास्ट स्टेप पर भी छोड़ सकते हो। आंसर देख लीजिए उसका, थर्ड के फर्स्ट का आंसर इन्होंने यही कर रखा है, सेकंड लास्ट स्टेप वाला, क्लियर है? यस सर। ठीक है चलिए जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, x की पावर 5 इंटू 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9। थ्री माइनस 6 इंटू एक्स की पावर माइनस 9, ये हो गया। फिर वही करते हैं कि भाई दो फंक्शंस हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो जो वाई को करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स की पावर 5 एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9 अब एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 एज टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। जब 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो एक कॉन्स्टेंट है क्योंकि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। फिर माइनस 6 एज टू रहा और x की पावर माइनस 9 का क्या हो जाएगा, माइनस 9 x की पावर माइनस 9 माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, n x की पावर n माइनस 1, कोई कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल वाली टर्म के साथ तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाता है और वेरिएबल वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसके बाद देखिए प्लस 3 माइनस 6 x की पावर माइनस 9 और जब डिवाइड dx करेंगे x की पावर 5 का तो ये हो जाएगा 5 इनटू x की पावर 5 x की पावर 4, ये हो गया। ठीक है, फिर x की पावर 5 ये हो गया माइनस 6 इंटू माइनस 9, ये क्या हो गया 54 और x की पावर माइनस 9 माइनस 1 कितना हो गया x की पावर माइनस 10। ठीक, उसके बाद इसको एक्सपेंड कर लो तो 5x की पावर 4 इंटू 3 ये कितना हो गया बेटा 15x की पावर 4, फिर 5x की पावर 4 इंटू माइनस 6 x की पावर माइनस 9 ये क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस 6 इज माइनस 30 और x की पावर माइनस 9 प्लस 4, x की पावर माइनस 9 प्लस 4 देखिएगा आगे 54 x की पावर 5, जब x की पावर माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जब बेस सेम होता है
और टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो 5 - 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये है 15x की पावर 4 और -30x की पावर -9 + 4 कितना हो गया -5। 5 - 10 = -5, ठीक है, प्लस 15x की पावर 4 - 30x की पावर -5। तो भाई x की पावर -5 वाली टर्म इधर भी है, x की पावर -5 वाली टर्म इधर भी है, तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 54 में से 30x की पावर -5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24x की पावर -5 + 15x की पावर 4। बोलिए जी, क्लियर? यस, ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, जो भी फंक्शन दे रखा हो उसको y के बराबर मान लो, तो y इज इक्वल टू 2x + 3 × 5x² - 7x + 1। तो फिर वही है, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंशिएट, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, 5x² - 7x + 1 ये एज इट इज इनटू डी बाय डी एक्स इनटू 2x + 3, ये हो गया। अब जरा देखिएगा इसमें क्या करेंगे, ये जो 2x + 3 है ये तो एज इट इज रहेगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कांस्टेंट तो एज इट इज, 5 तो एज इट इज, और x² का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, 2x² - 1, x^n का क्या होता है mx^n - 1, तो x² का सीधा सीधा 2x याद रखो, इसका हो गया 2x, माइनस 7 इज अ कॉन्स्टेंट जिसके साथ वेरिएबल वाला टर्म है, तो x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 हो गया, प्लस 1 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0, प्लस 5x² - 7x + 1 × d/dx of 2x + 3। तो भाई जब 2 को डिफरेंशिएट करेंगे 2x को, तो 2 तो एज इट रहेगा और x का डिफरेंशियल 1, 3 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला है, उसका डिफरेंशियल 0। हाँ जी, अब ये हो गया 2x + 3 × 5 × 10x - 7 + 5x² - 7x + 1 × ये क्या बचा केवल 2, तो 2x × 10x कितना हो गया 20x², 2x × -7 कितना हो गया -14x, 3 × 10x कितना हो गया प्लस का 30x, और 3 × -7 कितना हो गया -20। अब 2 × 5x² कितना हो गया 2 × 5 = 10x², 2 × -7x कितना हो गया -14x, और 2 × + 1 हो गया प्लस का 2। 20x² + 10x² = 30x² - 14x - 14x कितना हो गया -28x, ठीक है। उसके बाद अच्छा प्लस 30x भी तो है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, x वाले सारे टर्म्स -14 - 14 - 28 और 30 - 28 प्लस का 2, तो प्लस का 2x ये हो गया। अब x² वाला ले लिया, x वाले तीनों टर्म्स ले लिया, -21 + 2 - 19, देखिए जी आंसर यही है।
फोर्थ का फर्स्ट? यस सर। चलिए जी बिल्कुल सही है। अब फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिएगा, फोर्थ का सेकंड पार्ट जरा समझने लायक है, बस एक मिनट वेट करिए, मैं एक मिनट में आ जाता हूँ, एक मिनट दीजिए। चलिए जी फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। वो ये जो सेकंड पार्ट है इसमें थोड़ा सा समझने वाला है, यहाँ प्रोडक्ट रूट भी लगेगा साथ साथ चेन रूट भी लगेगा। चेन रूट का हमने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन चेन रूट में हमने ये देखा था जब फंक्शन किसी और फंक्शन का फंक्शन होता है तो उसको हम किस तरह से करते हैं। सॉल्व देखिएगा, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए, तो y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर इंटू थ्री एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब। ये है जी, अब क्या करें, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो टर्म्स हैं, 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर और 3x प्लस 5 का होल क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा। तो dy by dx is equal to पहले 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर ऐसे चल रख दिया इनटू dy dx ऑफ 3x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस अब दूसरा फंक्शन यानी कि 3x प्लस 5 का होल क्यूब वो एक्स रख दिया इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे देखिए, 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो 3x प्लस 5 को
क्या मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि पहले उसका क्यूब खोलना पड़ेगा। तो क्यूब जब आप खोलेंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 3x plus 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की भी पावर हो रखी है, यानी कि एक फंक्शन तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और इसकी भी पावर में 3 बैठा हुआ है, यानी कि दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस का मिक्सचर है ये, एल्जेब्रिक फंक्शन का पावर भी हो रहा है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करो, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करो, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है चेन रूल। तो आपने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं देखा था कि होल स्क्वायर हो रहा हो या होल क्यूब हो रहा हो, कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ठीक है? तो वहाँ पर मुझे चेन रूल लगाना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट यहाँ पर होल स्क्वायर वाला था, तो जो क्वेश्चन 2 मैंने आपको करवाया था वो चेन रूल से ही करवाया था। तो यहाँ पर भी वही है, आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले इसका होल पावर 3 है, मतलब 3x plus 5 को एक तरह से x मान लो। तो x की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होता है? 3x की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3x स्क्वायर। ये समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. है ना, 3 × x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और यहाँ पर x क्या है? 3x plus 5 है, तो 3 × 3x plus 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया पहली चीज़। तो ये, लेकिन उसके बाद क्या है कि दूसरा फंक्शन, ये तो मैंने अभी इसके क्यूब को सॉल्व करा, क्यूब वाले को मैंने सॉल्व करा, लेकिन जो ये अंदर वाला है अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका डिफरेंशियल, ये क्या होगा कि, बल्कि आप लिखें इसको d/dx ऑफ 3x plus 5। तो पहले जो आपने d/dx लिखा वो तो इस पूरे के लिए लिखा, तो आपने पूरे फंक्शन को x मानते हुए x की पावर 3 का 3x स्क्वायर आपने लगा दिया, फिर d/dx ऑफ 3x plus 5, फिर 3x plus 5 को भी डिफरेंशिएट करो प्लस, अब 3x plus 5 का होल क्यूब ये रहेगा एज इट इज। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2x minus 7, 2 × क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2x होता है, तो 2 × 2x माइनस 7, अब 2x माइनस 7 को डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ 2x माइनस 7। बता दीजिए, समझ रहे हैं ना तीनों बच्चे? बता दें, नहीं समझ में आ रहा हो दोबारा बता दूंगा मैं। यस सर, 2x माइनस 7 ये हो गया। उसके बाद देखें 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर पहला, और 3 × 3x plus 5 का होल स्क्वायर, और जब इसका d/dx करेंगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, और 5 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला है, तो ये 0 हो गया, ठीक है? प्लस 3x plus 5 का होल क्यूब 2 × 2x minus 7 और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई 2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक। x का डिफरेंशियल क्या हो गया? 1, और 7 का डिफरेंशियल हो गया 0। करो जी थोड़ा सिंप्लीफाई, ये हो गया 2x minus 7 का होल स्क्वायर इंटू 3 × 3 = 9 इंटू 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2 × 2 = 2, 2 − 0 = 2, 2 × 2 = 4, तो प्लस 3x प्लस 5 का होल क्यूब 2 × 2 = 4 इंटू 2x minus 7। अब क्या करेंगे भाई? इधर मुझे दिखाई दे रहा है 2x minus 7 इधर भी है, 2x minus 7 का whole square इधर भी है, तो एक काम करो, और दो expressions हैं बीच में addition का sign है, 2x minus 7 ले लो common, एक तो ये आ सकता है common, फिर 3x plus 5 का whole square इधर है, 3x plus 5 का whole cube इधर है, तो 3x plus 5 का whole square ले लो common। तो जब 2x minus 7 का होल स्क्वायर था
और 2x-7 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा 2x-7, ठीक है, इंटू 9, 3x+5 का होल स्क्वायर ये है, ये हमने बाहर ले लिया, ठीक। तो अब दूसरे वाले टर्म में क्या बचा, 3x+5 बचा केवल इधर, प्लस 3x+5 ये बचा, क्योंकि स्क्वायर आपने ले लिया तो 3x+5 इधर बचा, इंटू फोर और ये 2x-7 जो है वो तो मैंने कॉमन ले लिया था तो वो नहीं बचा। ये समझ में आ गया पूरा जो कॉमन लिया है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। x-7 मल्टीप्लाई में 3x+5 का होल स्क्वायर और 2x-7 इंटू 9, तो 9 टू जा 18x और 9 इंटू -7 इज -63, 4 3 जा 12x और 4 इंटू 5 20। टू एक्स माइनस सेवन 3x+5 का होल स्क्वायर, 18x+12x कितना हो गया 30x और -63+20 ये कितना हो गया -43। बताइए जी, क्लियर है? फोर्थ का सेकंड पार्ट एक बार आंसर चेक कर लो, आंसर यही है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन में है x+1 × x-2 / √x, ये कैसे करेंगे इसको, ये समझ में आ गया? फोर्थ का सेकंड पार्ट तीनों को बता दो। यस सर। ठीक है, बाकी दोनों बच्चे बोले भाई समझ गए? यस सर। चलिए ठीक है, अब जरा फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है x+1 × x-2 x+1 × x-2 / √x, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dy by dx is equal to, अब जरा देखें कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक टर्म दे रखी है और दो टर्म्स दे रखी हैं न्यूमरेटर में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन रूल लगा दूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन रूल किस तरह से लगता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर होगा सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, मतलब रूट एक्स रखा है एज इट इज, इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये एज इट इज एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू दिखाई दे रहा होगा, रुको एक मिनट जरा इसको सही से लिखता हूँ। माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये एज इट इज होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स डिवाइड एक्स ऑफ
रूट एक्स ये हो गया। अब सर ये x माइनस टू होएगा, x माइनस टू हाँ x माइनस टू। अब रूट एक्स तो रहा एज इट इज, और जब इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शन, तो फिर तो यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूट, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूट। तो इसके लिए एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, सबसे पहले कहेंगे x प्लस वन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस टू प्लस x माइनस टू एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन। ये समझ में आ गया ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि दो जो एक्सप्रेशन है दो फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। बताइए जी क्लियर है तो चलें आगे। फिर आगे वाले टर्म देखेंगे, आगे वाले टर्म में क्या है माइनस एक्स प्लस वन इंटू माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। और सीधा सीधा याद रखना भाई, अगर रूट एक्स का डिफरेंशियल निकालना है ना तो रूट एक्स का डिफरेंशियल सीधा सीधा याद रखना वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। यहाँ शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर वन बाई टू, तो इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स की पावर वन अपॉन टू माइनस वन, मतलब वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू नीचे आकर क्या हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स की पावर वन बाई टू, और x की पावर 1 बाई टू को ही तो रूट बोलते हैं हम। तो सीधा सीधा याद रखिए, इतना लंबा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखोगे टीचर नंबर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर 1 बाई टू यानी कि रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल सीधा सीधा लिखे 1 अपॉन टू रूट एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो है उसका मैं सीधा डिफरेंशियल यहाँ लिखूंगा 1 अपॉन टू रूट एक्स, 1 अपॉन टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया एक्स हो गया। रूट वाली टर्म का होल स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है बस, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो गया। अब इधर मिटा रहा हूँ उसको, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। देखिएगा जैसे ये तो रूट एक्स है मेरे पास, ठीक है, ये एक्स प्लस वन एज इट इज रहा, और जरा देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू, तो एक्स का डिफरेंशियल वन माइनस टू, टू अकेला है तो उसका डिफरेंशियल जीरो, तो ये केवल बचेगा वन, समझ गए, प्लस एक्स माइनस टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, तो एक्स का डिफरेंशियल वन और वन का डिफरेंशियल जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, तो ये भी वन, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू और अपॉन में लिख दो ऐसे टू रूट एक्स अपॉन में एक्स, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा रूट एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन टू रूट एक्स, दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है ना, अपॉन में एक्स है। अब न्यूमरेटर में ये टू रूट एक्स है और इधर रूट एक्स है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये जो टू रूट एक्स है ये इधर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अब डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन हम कर चुके हैं, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें।